गया है मोबाइल ऐप। क्या है ये ऐप, ये पूरी डिटेल देखिए। स्मार्टफोन किसी के लिए अजूबा नहीं है, हाँ उसका इस्तेमाल क्या है ये जरूर मुद्दा है, लेकिन यकीन मानिए ये नया ऐप लोगों के बहुत काम आने वाला है, खासकर उनके जो जंगलों के पास रहते हैं और जब तक जंगली जानवरों के आने से दहशत में आ जाते हैं। ऐप का नाम है सेफ लेपर्ड। ये एंड्रॉइड वर्जन 1.0 पर ऑपरेट होता है। जल्द लॉन्च होगा इसका एप्पल वर्जन। एंड्रॉइड टैब के साथ 12,000 डिवाइस को ये सपोर्ट करता है। तो ये तो रही ऐप की टेक्निकल जानकारी। ये इजी टू यूजर फ्रेंडली है, यानी कि हिंदी में होने की वजह से इसे आसानी से कोई भी समझ सकता है। ये पूरा ऐप हिंदी में ही डिजाइन किया गया है। पुलिस, वन विभाग और प्रेस के नंबर ऑलरेडी फीड है। वन्य जीव अधिनियम की भी जानकारी इसमें दी गई है, साथ ही पैंथर का भी पूरा ब्यौरा दर्ज है। मतलब साफ है कि ये ऐप डाउनलोड करने के बाद जैसे ही कोई पैंथर यूजर्स को अपने इलाके में दिखाई दिया तो इस ऐप के जरिए वो इसकी खबर देना चाहेगा तो मीडिया, वन विभाग और पुलिस को एक साथ खबर मिल जाएगी। इसके फौरन बाद तीनों सक्रिय हो जाएंगे। इंसिडेंट्स ज़्यादा नहीं हों और जो है इसका समय रहते जो है, जैसे ग्रामीण एरिया में जैसे कहीं लेपर्ड साइट होता है तो उसकी एक्यूरेट उसको जो ऑफिशियल को है इसकी जो इन्फॉर्मेशन मिल पाए और जितने हाँ जितना करेक्ट ऑफिशियल को है जितनी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल पाए और टाइम पे जो है एनिमल को जो सेव किया जाए। हमारा बेसिक जो मकसद ये था इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, लोगों के हाथ में मोबाइल है उसका सदुपयोग हो, अच्छा उपयोग हो, प्रेस, मीडिया, पुलिस सभी के नंबर है, उसी के साथ में पैंथर ही नहीं सारे वन्य जीवों को बचाने के लिए इसमें है। इसमें अगर कोई उसका अवैध व्यापार कर रहा है, कोई सूचना अगर आपके पास है पुलिस को डिपार्टमेंट को आप देना चाहते हैं तो वो सब भी आप कर सकते हैं। अभी अभी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, उस डेटा हमारे पास कलेक्ट हो रहा है क्योंकि आप इसमें व्हाट्सअप भी दिया है, ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सुविधा दी हैं तो अभी काफ़ी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छी बात ये है कि आप कोई भी सूचना या खबर न मिलने का बहाना नहीं कर सकेगा। ये ऐप उन इलाकों के लिए अहम साबित हो सकता है जहाँ अक्सर तेंदुए के आने की खबरें मिलती हैं। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा, अजमेर में है।